सभी किसान भाइयों को नमस्कार, मैं संजीव कुमार यादव। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आए हुए हैं इसमें नर्सरी जो है गोभी की नर्सरी यहाँ पे लगा हुआ है और टमाटर की लगी हुई है। तो आज हम आपको सारी जानकारी नर्सरी के बारे में देंगे कि कब आप, जैसे इस समय तो सितंबर स्टार्ट हुआ है तो अगस्त से ही नर्सरी लगा हुआ है, तो आप कितने एरिया में क्या लगाएं और कौन सी फसल लगा सकते हैं इस समय, सारी जानकारी आज आपको हम देंगे नर्सरी से लेके खेतों तक। इधर देख रहे हैं पूरा ना, पूरा एरिया देख रहे हैं, पूरा लगा हुआ दिखा दो भाई थोड़ा सा, सारी इधर पूरा लगा हुआ है इधर का। तो आज हम सारी आपकी जानकारी देंगे। भैया इधर आ जाइए। भैया आपका नाम क्या है? सर हमारा देख रही बबलू कुमार भारद्वाज पड़ेगा, गांव ग्राम हरपुर और जिला डुमरिया, जिला बलिया। बलिया भैया, आप कब इसे नर्सरी लगाए हुए थे? इसका नर्सरी हम 4 जुलाई को लगाए, 4 जुलाई को लगाए थे। अच्छा, एक चीज हमें बताइए, जैसे आप नर्सरी लगाए हैं गोभी का लगाए हुए और किसका लगाए हैं? ये फूल गोभी है। फूल गोभी, और उधर क्या है? टमाटर। उधर टमाटर है। हाँ, उधर देखते रहिए पूरा तुम। ठीक जी। अच्छा एक चीज बताइए, जैसे कि आप नर्सरी जब लगा रहे थे तो क्या क्या आप दवा माने क्या क्या कैसे क्या क्या तैयार किए थे नर्सरी में, क्या क्या डाले नीचे इसका? उधर चलते हैं, चलते रहिए, आगे सामने सोचो इसका। पहले तो बेड बनाए हम, बेड बना करके जो कुदार होती है, हाँ, कुदार कोड़ाई कर करके और पाटा से मार करके मिट्टी भुरभुरी करके और यहाँ पे बीज 10 फुट में खड़े रहो, एक धुर में जैसे कि 8 फुट चौड़ाई, 8 फुट लंबाई। अब देखिए तरह मैं एक धुर, एक पाउच 10 ग्राम का जो पाउच आता है वो हमने डाला था इसमें। हाँ, तो आप जिसे कौन सी खाद कौन कौन सा यूज किया था आपने इसमें? खाद जो 20-20-0 आता है, मिक्सचर मतलब। हाँ, आप जैविक खाद और डीएपी जो है आप इसमें यूज किए थे। पोटास कितना डालते हैं आप इसमें? पोटास नर्सरी के बात कर रहे हैं आपकी? हाँ, खेत के बात कर रहे हैं? नहीं, नर्सरी से बात है। नर्सरी में लगभग 8 फुट चौड़ाई, लगभग 10 फुट लंबाई में लगभग एक पौवा लीजिए। अच्छा, जैसे कि आपका क्या, जैसे एक एकड़ में कितना सीड लगता है टमाटर का? एक एकड़ में लगभग 75 से 80 ग्राम। 75 से 80 ग्राम। और अगर यही बात कर लिया जाए गोभी का, तो गोभी कितना लगता है? गोभी का लगभग 120 ग्राम से लेकर के 150 ग्राम। 150 ग्राम मतलब, अगर आप पूरा, जैसे भैया बता रहे हैं कि आप जुलाई में नर्सरी किए थे, लगता कब अभी समय लगेगा? यही देखिए, होता है कि अलग अलग मौसम के लिए। जैसे अभी समय मौसम, अगर सितंबर में लगाना स्टार्ट होगा, इसका गोभी आती है मौसम के हिसाब से, गोभी आती रहती है मार्केट में। कौन सी गोभी आप लगाए हुए हैं? ये अभी तो जेके कंपनी का जेके सोनियो लगाए हैं इस थली में। जेके सोनियो इसमें है। हाँ। और इस टमाटर में कौन सा है? टमाटर इधर तो देसीला है, इधर अभिलाष। ठीक है, इसे जेके का सोनिया लगा हुआ है आप गोभी, और इधर जो है अभिलाष लगाए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किसान भाई ये बहुत ही इधर के चर्चित, हरपुर के जो बलिया के सबसे चर्चित किसान माने जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि अगर सितंबर महीने में जो है अगर गोभी, तो पत्ता गोभी देख लीजिए इधर पूरा तैयार की, इनके पास कम से कम नियर अबाउट 10-20 एकड़ में जो है, जहाँ 10-20 एकड़ में जो है आप खेती करते हैं, और बहुत ही इधर एरिया के सबसे अच्छे किसान माने जाते हैं। तो इनके बारे आप देख लीजिए, ये बेमौसमी जो है, जब जैसे सीजन स्टार्ट होगा उसके पहले ही सारी चीजें इनकी चलती हैं, जिससे रेट जो है इनको अच्छा मिल जाता है। अच्छा, इस समय जो लगाने पे तो बहुत ज्यादा जैसे कीटनाशक और रोगों की जो है बहुत ज्यादा चलते रहते हैं, इसके लिए आप पहले से प्रिपेयर्ड रहते हैं कि हमें क्या क्या डालना है? हाँ हाँ, मतलब तैयारी के साथ पूरा लगे रहते हैं, मतलब क्या क्या डालना है, क्या क्या नहीं। ऐसा होता है ना कि हर साल खेती करते हैं जी जी, तो अनुभव हम लोगों का है। हाँ, तो पहले से तत्पर रहते हैं कि अच्छा किस समय कौन सा दवा इसमें डालना है। अच्छा एक चीज बताइए, जैसे आपका तो पास अनुभव है, जैसे हम एक एकड़ जो है टमाटर की खेती करते हैं, नियर अबाउट तो कितना खर्चा लग जाता है, खर्चा कितना लगता है? खर्चा 35 से 40 हजार आ जाए एक एकड़ में। एक एकड़। और अच्छा, अगर बीज उसको लेके सारा चीज ना, जुताई गुड़ाई 35 से 40 हजार। अगर कमाते कितना है सही से बताइएगा? टमाटर देखिए खूब भाव भी बिगड़ेगा तो लगभग 150 क्विंटल, मतलब कितने पैसे कितने निकल जाएंगे? पैसा उसमें एक एकड़ में 1.5 लाख से कम नहीं जाएगा। मतलब आप अगर अच्छे रेट में रहा तो? अच्छा रेट में रहा तो 2 लाख भी पहुंच जाएगा। मतलब अगर 35-40 हजार रुपए आप लगाते हैं 3 महीने में? नहीं, पूरा 1 साल के लिए वो फसल होता है। एक फसल टमाटर कितने दिन का होता है?
होता है तो साल भर उसमें दूसरा फसल फिर नहीं हो पाएगा, एक अच्छा, फसल होगा, मतलब एक फसल होने में तो 3 से 4 महीने लगता है ना, सही है ना, निकलेगा वो एकदम मई तक का। मतलब आप जो है 30 से 35 हजार, 35 से 40 हजार लगा के बजे बजे बता रहे हैं, 1.5 से 2 लाख रुपए आप आराम से कमा सकते हैं। तो ये भी किसानी अगर कर रहे हैं तो फायदे के लिए कर रहे हैं। तो जो किसान कहते हैं कि नहीं भाई किसानी में जो फायदा नहीं रह गया, ऐसा कुछ नहीं है भैया का अनुभव खुद देख लीजिए। अगर 3 महीने में 1 लाख रुपए निकल जा रहा है, अगर माने 20-30 हजार हटा दे तो भी 1 लाख रुपए निकल रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि फायदा नहीं है, फायदा है। हाँ, कुछ प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है उसको छोड़कर, फिर भी ऐसा नहीं किसान अपने भर का निकाल नहीं लेता, हर बार तो निकाल ही लेते होंगे, ऐसा नहीं, कितने भी अगर विषम परिस्थिति आ जाए। खेती में ऐसा है ना कि हर बार आएगा नहीं, कभी भी जाता है, कभी आ भी जाता है, बढ़िया। फिर भी पैसा लगाने का आप खेती करके और छोड़ देंगे तो पैसा चला जाएगा, फिर आएगा नहीं। जी जी, उसमें लगे रहिए, कंटिन्यूअसली रहेगा, सारी चीज चलती रहेंगी। और आप देख भी रहे हैं कि टमाटर इतना बड़ा होगा, भैया जोगा पूरा दिखा दो बढ़िया से, सटा के दिखाओ, हाँ सटाओ एकदम, देख रहे चारों तरफ भैया एकदम बढ़िया से, मतलब आया हुआ नर्सरी। अभी इसमें जैसे क्या हुआ कि इसमें नेट है ना, क्या कौन सा, क्या बोलते हैं आप लोग इसका, हाँ नेट है मान लीजिए, हाँ नेट नेट है। अब इसे निकालेंगे, इसमें जिसमें घास जो है देख रहे होंगे आप, घास दिख रही होगी, इसमें घास से निराई कर ली जाएगी इधर से, और इधर जो है इधर देख रहे हैं गोभी लगा हुआ है। तो आप मतलब इस सारी खेती, अच्छा कौन कौन सी खेती इस सीजन में, कौन कौन सी खेती कर सकते हैं हम अभी सितंबर में? समय तो गोभी भी लग गोभी भी लगेगा, बैंगन लगेगा, बैंगन लगेगा, हाँ बीन्स भी लगेगा, जो लगाने वाले किसान होंगे वो तैयारी कर रहे हो, जी 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 कर रहे होंगे, मतलब बीन्स लगाने के, मतलब इस जो सीजन है आप आराम से लगा सकते हैं। बीन्स अभी लगाएंगे तो अक्टूबर में उसका अच्छा रेट मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, मतलब कुल मिला के समय से पहले आप जो है दिमाग लगाते हैं और अच्छा पैसा कमाते हैं। आप लोग के पास भी अच्छा जुगाड़ है भाई साहब। आप जो है हम किसान भाई से अनुरोध करेंगे थोड़ा सा बेमौसमी खेती जिसे कहते हैं, समय आने के पहले ही थोड़ा सा स्टार्ट कर दें, 10 से ज्यादा नहीं, 15-20 दिन पहले अगर हो जाएगा तो अच्छा रेट देके जाएगा। और इसके लिए आप पूरी जानकारी लेते रहिए। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।